वेलकम टू चैनल। माय नेम इज आशीष और इस लेक्चर में हम स्क्रोटल वॉल के बारे में देखेंगे। हमें ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ ही देखना है क्योंकि उसी का मॉडिफिकेशन, उसी के जो लेयर्स का मॉडिफिकेशन बना लेती है स्क्रोटल वॉल। तो एक सिंपल से डायग्राम से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने अभी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल देखा था, तो ये सोचिए एब्डोमिन का अपर पार्ट है, यही लिंची कंटिन्यू होकर बना लेता है स्क्रोटल सैक। मैं थोड़ा बड़ा वो इसलिए बना रहा हूँ, थोड़ा डिस्टेंटेड, ताकि ये पूरा डायग्राम में हम सारे लेयर्स हम दिखा सकें। तो ये हो गया एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, जो नीचे कंटिन्यू के बना लेता है स्क्रोटम का वॉल। ठीक है, अब इसके हम लेयर्स देखते हैं। तो स्किन के बाद मैंने आपको बताया था क्या होता है, फेशिया प्रेजेंट होती है। तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के जो बात जो फेशिया होगी, एंटीरियर एब्डोमिन के बाद जो फेशिया, वो नीचे कंटिन्यू होकर डार्टोस मसल बना लेगी। तो डाटो मसल आपको पता चल गया कैसे बनती है, ये फेशिया से बनती है, जो कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का जो फेशिया होता है वही मॉडिफाई करके बना लेता है डाटोस मसल। तो अपर पार्ट में तो ये रहेगा हमारा फेशिया ऑफ एब्डोमिन, बट नीचे कंटिन्यू के बना लेगा डाटोस मसल, डाटोस मसल। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट मसल जो बताई थी मैंने आपको, नेक्स्ट लेयर थी वो थी एक्सटर्नल ऑब्लिक, फिर थी इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। तो एक के बाद एक हम देख लेते हैं। ये जो एक्सटर्नल ऑब्लिक होती है, ये है हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिक, नीचे कंटिन्यू होती है और बना लेती है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। तो ये तो एब्डोमिन में करेगी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, पर नीचे कंटिन्यू होकर उसका हम एब्डोमिनोसिस क्या बना लेता है, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, स्पर्मेटिक फेशिया। अब जो नेक्स्ट मसल थी वो थी इंटरनल ऑब्लिक, तो इंटरनल ऑब्लिक नीचे कंटिन्यू होकर बना लेती है क्रेमेस्टर मसल। तो डाटोस मसल कैसे बनती है, इट इज़ ए कंटिन्यूशन ऑफ द फेशिया, बट क्रेमेस्टर मसल इज ए कंटिन्यूशन ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक ऑफ द एब्डोमेन। तो ये हो जाएगा हमारा क्रेमेस्टर मसल। ये बहुत ही बेसिक्स हैं जो यूजुअली कहीं दी नहीं रहती हैं। ये हो जाए क्रेमेस्टर मसल। तो आपको पता है इंटरनल ऑब्लिक ही आगे कंटिन्यू होकर स्क्रोटम बना लेता है क्रेमेस्टर मसल। जो नेक्स्ट वो जो मसल थी एब्डोमेन, वो थी हमारी ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनिस, पर वो क्या होती है, वो नीचे डिसेंड नहीं करती, वो बाहर ही रुक जाती है स्क्रोटल सैक के। तो ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस इज़ नॉट द कंटेंट ऑफ द स्क्रोटल वॉल। नेक्स्ट जो फेशिया थी इसके बाद वो थी ट्रांसवर्सलिस फेशिया, वो नीचे कंटिन्यू होती है और बना लेती है इंटरनल स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो ये एब्डोमेन क्या होगी, ट्रांसवर्सलिस फेशिया, जो नीचे कंटिन्यू होकर बना लेगी हमारा इंटरनल स्पर्मेटिक कॉर्ड। एक्सटर्नल कौन बनाता है, एक्सटर्नल ऑब्लिक। देखिए एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया कौन बनाता है, एक्सटर्नल ऑब्लिक बनाता है, और इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया कौन बनाता है, ट्रांसवर्सलिस फेशिया, स्पर्मेटिक फेशिया। तो ये हो गया सारी स्क्रोटल वॉल्स की लेयर्स। और जो अपर पार्ट में बताया था मैंने, जैसे जो वेजाइनल प्रोसेस होता है वो क्लोज होकर बना लेते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस, तो हम वो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ट्यूनिका वेजाइनलिस, जिसका अपर पार्ट अब क्या हो गया, क्लोज हो चुका है, ऊपर क्या है, पेरिटोनियम। तो ये हमारा ट्यूनिका वेजाइनलिस है, इसको लिख लेते हैं इसी में, ट्यूनिका वेजाइनलिस। तो ये हमारा ट्यूनिका वेजाइनलिस है, जो कि अब जो कनेक्शन था इसका पेरिटोनियम के साथ, वो अब क्लोज हो चुका है, और यहीं पर हमारा टेस्टिस है। ये है टेस्टिस, इसके पीछे एपिडर्मिस और डक्टस डिफरेंस। तो अब मुझे आई होप सो अभी पूरा क्लियर हो गया आपका स्क्रोटल वॉल और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के कितने कितने कॉन्स्टेंट्स और कौन सी लेयर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, जो एंटीरियर एब्डोमिनल, जैसे एक टेबल बना लेंगे अपना पूरा जो हमने बात डिस्कस की है उसको समराइज करने के लिए, जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के जो लेयर्स होती हैं वो किस में मॉडिफाई हो जाती हैं, उसका हम छोटा सा टेबल बना लेते हैं। तो हम जो टेबल बनाएंगे, तो एक साइड लिख लेते हैं हम एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स, और दूसरी साइड उसका डेरिवेटिव, किस में, स्पर्मेटिक कॉर्ड में, डेरिवेटिव। तो हमने देखा था जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर थी
जो फेशिया था वो तो डाटोस मसल बना लेता, और जो हमारा नेक्स्ट था एक्सटर्नल ओब्लिक वो किस में चेंज हो जाता है, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया में। तो ये मतलब है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया हमारे एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। और फिर थी इंटरनल ओब्लिक, वो किस में चेंज हो जाता है, इंटरनल ओब्लिक चेंज हो जाता है क्रिमेस्टर मसल में, क्रिमेस्टर मसल। ये कुछ वो भी लिख लेते हैं हम यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं। हमारा जो फेशिया था एब्डोमिनल फेशिया था वो किस में चेंज होता है, डार्टोस मसल में, डार्टोस मसल में। और इंटरनल ओब्लिक किस में चेंज होती है, क्रिमेस्टर मसल में, ठीक। और हमारी जो नेक्स्ट लेयर थी ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस थी वो एंटर नहीं करती है स्क्रोटल फॉर्मेशन में, बट उसके नीचे जो फेशिया था ट्रांसवर्सलिस फेशिया वो एंटर कर जाता है हमारा स्क्रोटल वॉल में, स्क्रोटल वॉल की और फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो वो किस में चेंज हो जाता है, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। तो ट्रांसवर्सल फेशिया किस में चेंज होता है, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। जो लास्ट था हमारे पेरिटोनियम का था वेजाइनल प्रोसेस, वो किस में चेंज हो जाता है, ट्यूनिका वेजाइनलिस। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द स्क्रोटम एज वेल एज द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। और आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन जो दबाइएगा, और हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और आपने हमें चैनल पर नहीं सब्सक्राइब किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।